अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेवन्थ क्लास का सेकेंड चैप्टर जानवरों में तज़िया, ये देखेंगे हम। शॉर्ट नोट्स है ये, पूरा लेसन का निचोड़ है, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा मिस हो गया कुछ भी बोले तो मेरे कॉमेंट में बताइएगा। ऑलमोस्ट कुछ भी मिस नहीं होगा, हर पॉइंट भी नोटेड है इसमें। पूरे थर्ड क्लास से सिक्स क्लास तक प्ले लिस्ट में है शॉर्ट नोट्स, आप एक बार जाके देख सकते हो। सेवन्थ क्लास का सेवन्थ चैप्टर भी अवेलेबल है। अब यह सेवन्थ क्लास का सेकेंड चैप्टर है जानवरों में तज़िया। हाज़मे पेचीदा ग़िज़ाई मादा, सादा ग़िज़ाई मादे में तब्दील करने के अमल को हाज़मी निज़ाम कहते हैं। हाज़मे में पेचीदा ग़िज़ाई मादा और सादा ग़िज़ाई मादा में तब्दील करने के अमल को क्या कहते हैं? हाज़मी निज़ाम कहते हैं। और खामिरों की मदद से पेचीदा ग़िज़ाई मादे को सादा ग़िज़ाई मादे में तब्दील करने के अमल को हाज़मी निज़ाम कहते हैं। ओके, उसके बाद है डिजेस्टिव ट्रैक, डिजेस्टिव कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल, राइट। ग़िज़ा हासिल करने का तरीक़ा, ग़िज़ा खोरी, मुख्तलिफ़ जानवरों में ग़िज़ा है ना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल करते, ग़िज़ा हासिल करते। शहद की मक्खियाँ हैं ना फूलों से, और सांप है ना क्या करते फूलों से चूस को उनका ग़िज़ा उन्होंने हासिल कर लेते शहद की मक्खी। अजदा क्या करते हैं, मतलब सांप पे वो क्या करते हैं, एकदम निंगल डालते हैं लवा, निंगल डायरेक्ट निंगल को, इसको हज़म करने के लिए क्या करते हैं, एक झाड़ के अंदर ऐसे लपट लेते ना, तो उससे उनका हज़म हो जाता है उनका ग़िज़ा। और उसके बाद आबी जानवर क्या करते हैं, पानी में मौजूद रहते सो इसे खा लेते हैं उन लोग। सो उसके बाद ये मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक में जो है वो बताऊँगी, ये अच्छा नहीं है इसलिए। उसके बाद है ना आबी जानवर आ जाके पानी में मौजूद है, उसके मुँह में है ना क्या दांत रहते हैं, लुआबी वो दूध जबान है, वाल भी रहते, और उसके बाद 20 दांता रहते हैं, 6 से 8 साल के उम्र में 20 दांता रहते हैं। एडल्ट हो गए तो 32 दांता रहते हैं, आप लोगों सबको मालूम है। छोटे बच्चे के टाइम को 6 to 8 ईयर्स के टाइम को कितने दांता रहते हैं, 20 teeth रहते। और उसके बाद लुआबी वदूद से लुआब को सैलिवा में, मतलब लुआबी वदूद से क्या कहते हैं, लुआब को निकाल को ग़िज़ा में मौजूद नशास्ता को ग्लूकोज में बदल सकता है, बदला जाता है इससे, इस सैलिवा से लुआबी वदूद से लुआब है, लुआब या सालवा कहते एक ही चीज़ें, ये कई को मदद होता करता है, ग़िज़ा में मौजूद नशास्ता को ग्लूकोज में तब्दील करने को मदद होता। और उसके बाद हमारे दांत 4 किस्म के रहते, ये भी मैं आप लोगों को ये बता दी टेक्स्ट बुक में जो है वो पिक्चर बता दी, मतलब इमेज बता दी। 4 किस्म के दांत पाए जाते हैं, इंसीजर्स, किनिन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर्स में है ना निचले 4 हते, ऊपर 4 हते, टोटल है 8 हते, कई को मदद करते हैं कतरने में मदद करते। और कैनिन कई को मदद करते हैं, 2 नीचे हते, 2 ऊपर हते, टोटल आ जाके 4 हते, छीरने फाड़ने में मदद करते। प्रीमोलर आ जाके नीचे 4 हते दाता, ऊपर 4 हते, टोटल 8 हते, पीसने में मदद करते। मोलर है ना 6 दाता, नीचे रहते 6 दाता, ऊपर रहते टोटल 12 रहते। सो ये टोटल पूरा काउंट करे तो 32 दांतों का फार्मूला 2 1 2 3। और अक्खलदार की तादाद कितनी रहती है तो 4 रहती। दांतों का जोल, डिकेइंग ऑफ टूथ। और ये डेंटल फ्लोस एक आला होता है, वो क्या होता है, ग़िज़ा दांतों में ऐसा अटक जा रहती ना, वो निकालने के लिए मदद होता है। आला कौन सा बोले तो ये डेंटल फ्लोस। इसे किससे बनाते बोले तो रेशम के धागे से बनता है, कच्चा रेशम के धागे से बनता है। कौन सा? डेंटल फ्लोस है। ये कई को मदद होता बोलते दाँत के बीच में ग़िज़ा हमारे छबाते भी बीच में अटक जाती है ना, और दांत को ग़िज़ा निकालने के वास्ते मदद होता। और दांतों के दाँत दर्द आए तो दांतों को निकालना है, दांतों में कुछ भी कैविटीज़ आए तो कौन करते हैं? डेंटिस्ट करते हैं। उनके डॉक्टर का नाम क्या है? डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर का। और इसके बाद है मेरी आवाज़ सही नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए, और दुबे की गुजारिश है आप लोगों से। इसके बाद देखो ग़िज़ा को लुआब को मिलने में मदद देने वाला ज़बान है। ज़बान क्या करता है? ज़बान से क्या करते हैं लुआब? ये ज़बान है, ज़बान हर सिमत घूमता और लुआब को निकालता ज़बान है। ये लुआब को निकाल कर क्या करता है? ग़िज़ा, हम एक ग़िज़ा खाते ना वो ज़बान के ऊपर जाता ना, ज़बान में वाटर के वैसा रहता ना वो है ना, ज़बान की मदद से क्या करते हैं वो ग़िज़ा को हम अंदर निगलने में या वो मिलाने में मदद हो जाता, मतलब इधर उधर छबा को ग़िज़ा को एक मिला को अंदर लेके चलाते ना वो ज़बान। और कई को होता है ज़बान में ज़ायक़ा मालूम करने के लिए, टेस्ट मालूम करने के लिए ज़बान की मदद होती, ज़बान से है ना ज़ायक़ा मालूम होता। और उसके बाद ज़बान के अगले हिस्से में मीठा से, ज़बान के किनारे में खट्टा, यहाँ पे अगले हिस्से में किनारे में ये खट्टा मीठा मालूम होता। और
बात करने के लिए भी ज़बानें इंपॉर्टेंट ही है हमारी, हमारी ज़बान नहीं है तो बात तो नहीं आती। और एक बार टेस्ट करो पकड़ के ज़बान को, कैसा बात करते देखो। और उसके बाद छोटी ज़बान भी रहती अंदर है, उसको एपिग्लॉटिस कहते। गिज़ा को हवाई नली में नहीं जाने देने में मदद करती। अब हमें गिज़ा खाते तो एकदम ठसका लग जाता ना हमारा, और उसको है ना इधर उधर भटक जा को हवाई नली में गई तो फिर ऐसा हो जाता था ना वो, है ना। गिज़ा को क्या करते हैं, हवाई नली में नहीं जाने दिए वैसा मदद करती। तो कौन सा छोटी ज़बान है, मरी या छोटी अंत का, तो एक चीज़ है यहाँ पे है मरी या छोटी अंत, मरी या छोटी अंत हल्लक से खुलती और मादे में मिलती। हल्लक से खुल जा यहाँ से खुल को मादे में, ये मादे में मिल जाती, ये मादा है मादे में मिलती। हल्लक से खुल को यहाँ से खुल जा को यहाँ से खुल को ये यहाँ से यहाँ मिलती। रिजाई नली वो उसे मरी भी बोलते। मादा, मादा क्या है, थैली नुमा जे की शक्ल का होता है। मादा कौन से शक्ल का होता है, जे की शक्ल का होता है और चौड़ा भी होता है। और उसके बाद है मुखात, मतलब गम के वैसा हैसियल हजमी रसे, हमें जो भी खाते हैं ना वो हैसियल तुलशा बैक्टीरियाज को मारता। और उसके बाद मादे की थैली को महफूज करता, कौन है मुखात, मादे की थैली को क्या करता, महफूज करता, गम के वैसा चिपचिपा रहता। हजमी रस तुरशा हजमी रस तुरशे बनानी बनाते, तुरशे बनाते मतलब तुरशा बनाना मतलब बोलना बैक्टीरियाज को मारने के लिए हजमी रस से यूज़फुल होता। और मादे में निसफ निज़ामी हजमी शुदा गज़ा को हैमी कहते हैं। उसके बाद है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट से हज़म होने के बाद ग्लूकोज में तब्दील हो जाता। कार्बोहाइड्रेट जब हमारा गज़ा क्या होता, हज़म होने के बाद क्या होता, ग्लूकोज में चेंज होता। और लिपिड्स क्या होता, फैटी एसिड्स में ग्लिसराइड में चेंज होता। और उसके बाद प्रोटीन्स क्या होता, एमोनिया एसिड में चेंज होता। ग्लूकोज में ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदलता, इसको तवानाई खारिज होती। जब एक तवानाई खारिज होती, गैर हजमी शुदा गज़ा बड़ी आंत में खुलता। गैर हजम शुदा गज़ा किस में खुलता, बड़ी आंत में खुलता। छोटी आंत की लंबाई कितनी रहती है, 6 मीटर से 7.5 मीटर्स रहती। छोटी आंत से गज़ा बड़ी आंत में पाया जाता। छोटी आंत से ये देखो यहाँ पे, छोटी आंत से गज़ा पूरा ये छोटी आंत है, छोटी आंत से गज़ा है ना बड़ी आंत में पाए जाको, ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत में पाए जाको उसके बाद बाहर निकल जाता, मतलब वेस्ट है तो। और उसके बड़ी आंत की लंबाई कितनी रहती, 1.5 मीटर लंबाई होती है। छोटी आंत की 6 से लेकर 7.5 मीटर, 6 मीटर भी अगर देख सकता ऑप्शंस में, या 7.5 मीटर भी दे सकता है, या 6 से 7.5 मीटर बोल के भी दे सकते हैं। और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर लंबी रहती। पानी और नमकियात को जज़ब करने का काम करते, पानी को और ये गैर हजम शुदा गज़ा में से पानी और नमकियात को जज़ब करने का काम कौन, बड़ी आंत के ज़रिए से होगा। और इसके बाद है गज़ा को बाहर खारिज करने को क्या कहते हैं, इजेशन कहते। और ये हजम कंप्लीट हुआ तो ये। और स्टार फिश में हजमी निज़ाम कैसा होता हूँ, मैं आप लोगों को स्टार फिश का नेक्स्ट बताऊँगी। उसके बाद अमीबा बेबी, अभी अमीबा में काजिक फाइल से होता, जिसम की जिसम के हिस्से को कई शक्ल में तब्दील कर सकते, इसको काजिब पैर कहते। अमीबा में काजिब पैर होता है, ये जिसम के हर हिस्से को कई सा है तो भी शक्ल तब्दील कर सकते, इसको काजिब पैर कहते। काजिब पैर गज़ा को हासिल करने और चलने में मदद करता। इसके खुलिए में गज़ा हजम करता, इसके अमीबा के खुलिए में गज़ा को हजम कर देता। और गैर हजम शुदा गज़ा को जिसम से निकालता, एक निकालता और गैर हजम शुदा को क्या करता, जिसम से निकालता। एक खुलवा एक तालाब में पाया जाता है। और और इसके बाद मैं ये इन डिटेल्स नेक्स्ट इसके बाद बताऊँगी। यहाँ पे देखो, मादे की अंदरूनी दीवार छोटी आंत और मुख्तलिफ वदूदों, लुआबी वदूद, जिगर और लबलबा, हजमी रस और रुतबतों का अफराज करते हैं। यह हजमी रुतबतों गज़ा के पेचीदा शक्ल को सादा तुरशे में क्या करता, तब्दील करता। अब यहाँ पे है देखो, ज़ौफ़ बहन लुआबी कुदूद, गज़ाई नाली किसको बोलते हैं, छोटी आंत कहाँ पे है,
और सभी यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। उसके बाद बड़ी आंत किसको बोलते हैं, एक डायग्राम में है, आप एक बार देख सकते हो। गजाई नाली है, जिगर है, पित्ता है, मादा है, लुआ लबलबा किसे बोलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में है और यहाँ पे उर्दू में है, आप एक बार चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है दांतों के बारे में, यहाँ पे डिटेल्स है देखो। इंसिजर किसको बोलते हैं और केनिन किसको बोलते हैं, प्रीमोलार और लास्ट में मोलार। लास्ट के जो भी तीन इधर तीन हैं मोलार बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखे हुआ है, दूध के दांत और मुस्तकिल दांत। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले आपके दांत गिरे होंगे। दांतों का पहला सेट शिर खौरगी के ज़माने में निकलता है। ये दांत 6 से 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं। इनको दूध के दांत कहा जाता है। आप सबको भी मालूम है 6 to 8 years के दांत जो भी निकलते ना उसको दूध के दांत कहते हैं। दांतों का दूसरा सेट क्या होता है, दूध के दांत की जगह फिर लेता और लेको उसको परमानेंट दांत कहा जाता। और मुस्तकिल दांत तमाम जिंदगी आपके साथ दी भी जा सकती है और बुढ़ापा में गिर भी सकते हैं। दांत बुढ़ापे में उकड़ते, बचपन में कैसा शिरखरगी के मरहले में उकड़ते दांत, वैसे ही बुढ़ापे में भी दांत उकड़ते। और उसके बाद यहाँ पे है देखो, दाढ़ किसको बोलते हैं, पेशदाढ़ किसको बोलते हैं, कितने दांतों को दाढ़ बोलते, कितने दांतों को पेशदाढ़ बोलते, कछली दांत क्या है, कतई दांत क्या है, मोलार क्या है, प्रीमोलार क्या है, बल्कि एक बार एक बार आप चेक कर सकते हो। और इसके बाद नोट भी कर लो आप। और इसके बाद स्टारफिश इन जानवरों को अपनी ग़िज़ा बनाती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की सख्त खोल से ढके होते हैं। खोल को खोल कर स्टारफिश तेज़ी से अपना मादा अपने मुंह के रास्ता बाहर निकालती और खोल के अंदर मौजूद नरम जानवरों को खा लेती है। फिर मादा जिस्म में लौट जाता है और ग़िज़ा धीरे धीरे हजम हो जाती है। और स्टारफिश में मादे से ग़िज़ा हासिल करती है, स्टारफिश क्या करती है, मादे से ग़िज़ा हासिल करती है। यह है स्टारफिश के बारे में। और अमीबा तो काजिब पैर से ग़िज़ा हासिल करती है और काजिब पैर जिस्म के हिस्सों को कई शक्ल में तब्दील करती है, इसको काजिब पैर कहते हैं। काजिब पैर क्या करता है, ग़िज़ा को हासिल करने और चलने में मदद करती। और उसके बाद कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, खाने के दौरान बात करने या सुन या ठसका लगता ना, ऐसा होने से खांसी आती, ये हिचकिया लगते, ऐसा इस वक्त होता है जब ग़िज़ाई अज़ा सांस की नली में चली जाती है। हवा की नली में गई तो, सांस की नली में गई तो ग़िज़ा हमें क्या होता, एकदम हिचकियाना, ठसका लगना, ऐसा होता। सांस की नली हवा को नथनों से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है। सांस की नली ग़िज़ाई नली से मुतासिल हो जाती है, होती है। हलक के अंदर हवा और ग़िज़ा दोनों का रास्ता एक ही है। अगर ऐसा है तो ग़िज़ा को कौन सी चीज़ सांस की नली में दाखिल होने से रोकती है। जब आप किसी चीज़ को निगलते हैं तो एक फ्लिप नुमा वाला सांस की नली का रास्ता बंद कर देती है और ग़िज़ा को ग़िज़ा की नली की तरफ मोड़ देती है। अगर इत्तेफाक से ग़िज़ाई अज़ा सांस की नली में चली जाती है तो हमें खांसी या हिचकियां आने लगती हैं। तो यहाँ पे देखो, ग़िज़ाई नली एसोफेज, जो ग़िज़ा आप निगलते हैं वो ग़िज़ा ग़िज़ाई नली में जाती, इस ग़िज़ाई नली को क्या कहते हैं, एसोफेज कहा जाता है। ग़िज़ाई नली गर्दन और सीने के साथ साथ चलती है। पे देखो, हम ग़िज़ा खाते हैं तो ग़िज़ा क्या जाता है, ऐसा जाके मादे में जाता अंदर, ये बीच में जो नली है ना वो ग़िज़ाई नली होती, ये मादा होता। अब हम पहले जो तस्वीर दिखाए उसमें देख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे जो लिखे हुआ है देखो,
ये नॉर्मल है, यहाँ तक ये गिजाई नाले। और ज़बान क्या कई मदद करती है, हमारे को चबाने में मदद करती, बात करने में मदद करती और गिजा को लुआब पहुँचा को वो गिजा को अच्छे तरह से चबाने में मदद होती। और उसके बाद यहाँ पे देखो मादा क्या काम करता है, ये बात एक अजीब वाकया के दौरान मालूम हुई है। 1822 में एक शख्स जिसका नाम अलेक्जेंडर मार्टन था, वो बंदूक की गोली से ज़ख्मी हो गया। गोली सीने की दीवार को सख्त नुकसान पहुंचाया और इससे मादे में सुराख हो गया। इसे एक अमेरिकन फौजी डॉक्टर के पास लाया गया जिसका नाम है विलियम बायोमोनट था। डॉक्टर ने मरीज की जान बचाई लेकिन वो सुराख को सही तौर पर बंद ना कर सके। यहाँ पे तस्वीर में देखे है, देखो मादे के अंदर जो सुराख है वो सुराख को बंद नहीं कर सके, उनकी जान तो बचा सके डॉक्टर। डॉक्टर का नाम क्या है, विलियम बियोमोंट है। और जो किसको मार लगा उनका नाम क्या है, एलेक्स सेंट मार्टिन है। 1822 में उनको गोली लगी, मादे में गोली लगने से डॉक्टर वो मादे के ऊपर तजुर्बा करे और मरीज की जान बचाई लेकिन वो सुराख को सही तौर पर बंद ना कर सके। बियोमंट ने इस मौके से फ़ायदा उठाया और सुराख के ज़रिए मादे के अंदर का मुशाहिदा किया। इसके मुशाहिदात जो निकात देने वाले थे, बायोमंट ने देखा कि मादा गिजा को ब्लो रहा था, इसकी दीवार मतलब मिक्स कर रहा था, इसकी दीवार एक ऐसा सयाल का अफराज कर रही थी जो गिजा को हजम कर रही थी। इसने ये भी देखा कि मादे का आखिरी सरा आंत में इस वक्त खुलता है जब मादे के अंदर गिजा को हजम करने का अमल मुकम्मल हो जाता है। यह है पूरा, डॉक्टर्स का नाम याद रख लीजिए, 1822 में एलेक्स सेंट मार्टिन को गोली लगी। तो डॉक्टर कौन, डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट करे बोले तो डॉक्टर विलियम बियोमोंट बोलते सुनो ट्रीटमेंट करे। और उसके बाद यहाँ पे देखो, आपको कभी पानी के दस्त आए होंगे, इस हालत को असहाल कहा जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, डहरिया बोलते हैं ना, वो असहाल बोलते हैं ना। ऐसा किसी इन्फेक्शन तायदा ये गजाई सिमत या बदहजमी की वजह से हो जाती है। हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर बच्चों में ये बीमारी आम है। अगर मरीज शदीद हो जाए तो ये महलिक भी हो जाता है और ये महलिक इसलिए हो जाता है कि असहाल की वजह से जिस्म से पानी और नमकियात का ज़्यादा खारिज हो जाता है। असहाल के तरफ से गफलत नहीं पर तनी जाए डॉक्टर के पास जाने से भी पहले उबला हुआ ठंडा पानी, इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शक्कर को घुलाकर पानी देना। अगर वो दो देना या ORS के पैकेट मिला के दे दो तो ओरल रिहाइड्रेट सॉल्यूशन ORS का ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन वो दे तो भी उन लोगों को डिहाइड्रेट हो जाते हैं उन लोगों, तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और ये सबक से हम लोग क्या सीखे हैं वो एक बार देखेंगे। जानवरों का तग्ज़िए की ज़रूरतें, ग़िज़ा खोर का तरीक़ा और जिस्म में इसके इस्तेमाल पर मुश्तमिल होता है। इंसानी हज़मी निज़ाम, हज़मी नली, अफरादी गदूद पर मुश्तमिल होता है। इसमें ज़ौफ़, दहन, यूनिक्स, मादा, छोटियान, बड़ियान,
रेक्टम पर ख़त्म हो जाते हैं और मुबर्ज शामिल होता है शामिल है। ख़ास हज़मी गुदूद जो हज़म रतबतों का अफराज करता है। तीन हैं लुआबी गुदूद, जिगर, मादा और छोटी आंत की दीवार भी हज़मी रसों का अफराज करते हैं। ग़िज़ा खाने के तरीक़े मुख्तलिफ अज़विया में होते हैं। हज़मी अमल एक पेचीदा अमल है। इस अमल में दर्ज ज़ैल मरहले शामिल हैं। निगलना, हज़म करना, जज़ब करना, इस्तहलाल और अखराज करना, ये पूरे होता है। निगलना, हज़म करना पूरे। नशास्ता जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का अमल, हज़म जो दहन में ही शुरू हो जाता है। प्रोटीन का हज़म मादा में होता है। जिगर से अफराज शुदा सिफर लिबलबा की रतूबत और आंत की दीवारों से अफराज शुदा हाजम रसों रुतबतात छोटी आंत में ग़िज़ा के तमाम अज़ा के हज़मी अमल को मुकम्मल करते हैं। खून की नलियां हज़म शुदा ग़िज़ा को जज़ब कर लेते हैं। जज़ब शुदा अशिया जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुंचा दी जा सकती है। गैर हज़म शुदा ग़िज़ा से पानी और नमकियात को बड़ी आंत जज़ब कर लेते हैं। ये पूरे हम लोग पहले जो स्टार्टिंग में पढ़े हैं वही छः पूरे। गैर हज़म शुदा और गैर जज़ब शुदा को जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। चरने वाले जानवर जैसे गाय, भैंस, हिरन वगैरह चगली खुर्क कहलाते हैं। ये जानवर ग़िज़ा को फौरन निगलते हैं और उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या करते हैं, फिर खाली टाइम में ले जावे, फिर वो अंदर से बाहर निकाल को वो है ना, फिर उन्हें हज़म खाते रहते, चबाते रहते, उसे चुगली खोर जानवर कहते हैं। और वो जानवर के मादा अव्वल में जमा कर लेते हैं। ग़िज़ा मुँह में लौट आता फिर उनको, मैं बोली ना, फिर वापस उन्हों चबा को, फिर आराम से बैठ को चबाले को, वो एक उनकी खुशी समझो, ऐसा कर लेते हैं। हम लोगों को वो सलाहियत नहीं है, हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। एक बार अंदर खा लिए तो बाहर नहीं आता है। वो जानवरों में ओनली उसे चुगली खोर जानवर कह देते। अमीबा ग़िज़ा को क्या कहती, पेसिडोपोडियम बोलते, काजी पैर बोलते, उससे क्या करते ग़िज़ा को निगलती। और इनकी ग़िज़ाई खलिए में हज़म हो जाती है। इनका ग़िज़ा किस में हज़म होता रहता है, ग़िज़ाई खलिए में हज़म हो जाता, किसका, अमीबा का। सो चुगली खोर जानवर कौन से हैं, गाय, भैंस, हिरन चुगली खोर जानवर हैं। चाइको बोले तो वो क्या कहते हैं, फिर वापस खाए सो ग़िज़ा आराम से बैठे इस वक्त, पहले खा लेते, खाले को आराम से बैठे इस वक्त में क्या करते, फिर वो बाहर मुँह में ला ले को फिर चबाते रहते। और इसके बाद यहाँ देखो, बकरी के दूध की चर्बी गाय के दूध की चर्बी से सादा होती है, इसलिए बकरी का दूध गाय के दूध के मुकाबले में आसानी से हज़म होती है। ये है, यहाँ तक पूरा चैप्टर कंप्लीट है। आप एक बार सुन लीजिए और विज़िट कीजिए प्लेलिस्ट में। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। दुआ की गुजारिश।